आवश्यक सूचना: YouTube चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुचि के वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली पॉपुलर A to Z अल्फाबेटिकली टैबलेट्स के बारे में, और गाइस साथ ही हम जानेंगे उन टैबलेट्स के कंपोजिशन और यूजेस को। तो गाइस, जिसमें आज का हमारा लेटर है ए, यानी कि ए लेटर से आने वाली टैबलेट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं आज के हमारी फर्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एबीवेस टैबलेट। गाइस, इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर है एसीब्रोफाइलिन 100 mg प्लस एन एसिटाइल सिस्टिन 600 mg। और गाइस, इस टैबलेट के यूजेस क्या हैं? तो इसके यूजेस हैं, ये टैबलेट अस्थमा में यूज़ होती है, COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, ब्रोंकाइटिस की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में परेशानी होने पर इस टैबलेट को दिया जाता है। गाइस, इसके आगे हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एबीविडा टैबलेट। और गाइस, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो है विल्डाग्लिप्टिन 50 mg। और गाइस, इसके यूजेस क्या हैं? तो ये टैबलेट एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, यानी कि ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस, इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारी थर्ड मेडिसिन को, जिसका नाम है A to Z NS+ टैबलेट। गाइस, इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो ये एक मल्टी विटामिन और एक मल्टी मिनरल टैबलेट है। और गाइस, इसके यूजेस क्या हैं? तो गाइस, ये टैबलेट बॉडी की ओवरऑल नरिशमेंट में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में काम करती है। इसी के आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एसिक्लो MR टैबलेट। गाइस, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो है एसिक्लोफेनिक 100 mg, पैरासिटामोल 325 mg और क्लोरजोक्साजोन 500 mg इसके अंदर है। और गाइस, इसका यूज़ क्या है? ये मेडिसिन एक पेन रिलीफ मेडिसिन है, और इसका यूज़ किया जाता है मस्कुलर पेन को ठीक करने के लिए और मस्कुलर स्पाज्म को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और साथ ही जॉइंट पेन, बैक पेन और बॉडी के सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस, इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट को देखते हैं, जिसका नाम है एसीप्रोक्सीवॉन CR टैबलेट। और गाइस, इसके कंपोजिशन है एसिक्लोफेनिक 200 mg प्लस रेबिप्राजोल 20 mg। और गाइस, इस टैबलेट का यूज़ क्या है? इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है दर्द में, सूजन जैसी समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, बॉडी के दर्द में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पीठ दर्द में, आर्थराइटिस के दर्द में, जॉइंट्स पेन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट को देखते हैं। तो गाइस, इसके आगे है एसीलॉक 150 टैबलेट। और गाइस, इस टैबलेट के अंदर जो कंपोजिशन है वो है रैनिटिडिन 150 mg। और गाइस, इस टैबलेट के जो यूजेस हैं, तो गाइस, ये टैबलेट गैस्ट्रिक एसिड को कम करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, साथ ही इस टैबलेट का यूज़ एसिडिटी की समस्या में किया जाता है, हार्ट बर्न की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, इनडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसी के आगे हम बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट टैबलेट को देखते हैं, जो कि है एसीलॉक RD टैबलेट। गाइस, इस टैबलेट का कंपोजिशन है डोमपेरिडोन 10 mg प्लस ओमिप्राजोल 20 mg। और गाइस, इस टैबलेट के यूजेस हैं, इस टैबलेट का यूज़ पेप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज को यानी कि GERD को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, एसिडिटी की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होने की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और इनडाइजेस्ट यानी कि अपच की समस्या में भी एसीलॉक RD का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट को देखते हैं। गाइस, वो है एसीट्रॉम 1 mg टैबलेट। और गाइस, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो है निकोमेलोन 1 mg। गाइस, इस टैबलेट का यूज़ क्या है? ये एक एंटीकोगुलेंट टैबलेट है, यानी कि खून में ब्लड के थक्कों को जमने से और बनने से ये टैबलेट रोकती है। तो गाइस, इसके आगे हम देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है AF150 टैबलेट। गाइस, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो है फ्लूकोनाजोल 150 mg। और गाइस, इस टैबलेट का यूज़ क्या है?
तो ये टैबलेट एक एंटी फंगल टैबलेट है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब वो फंगल इन्फेक्शन चाहे अंडर आर्म्स में हो, नेल्स में हो, तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाएगा। इसके आगे हम देखते गाइस हम हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एफोग्लिप टैबलेट। और गाइस इसके कंपोजिशन को देखें तो इसके कंपोजिशन है टेनिलेग्लिप्टिन 20 mg। और गाइस इसके यूजर्स को देखें तो ये टैबलेट एक एंटी डायबिटिक टैबलेट है। और इसका काम क्या है, इसका काम है एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, यानी कि ब्लड जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर लेवल रहती है उसे कम करने का काम ये टैबलेट करती है। इसके आगे हम देखते हैं आज की हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एजाडुओ 10 mg टैबलेट। और गाइस इसके कंपोजिशन है इम्पा ग्लाइफ्लोजिन 10 mg प्लस लिनाक्लिप्टिन 5 mg। और गाइस इसके यूजर्स हैं, ये भी एक एंटी डायबिटिक टैबलेट है, यानी कि डायबिटीज़ की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जो कि है एलरफिक्स 5 mg टैबलेट। गाइस इसके कंपोजिशन को देखें तो ये टैबलेट, इसके अंदर है लिवोसिट्रिजिन 5 mg। और गाइस इसके क्या यूजर्स हैं, तो गाइस ये टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है, यानी कि एलर्जी की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब एलर्जी कैसी, जैसे कि ईची नोज यानी कि नाक में खुजली चलना, नज़ल कंजक्शन जैसी समस्या, स्नीजिंग यानी कि छींक आना, रेड वाटर या ईची आईज यानी कि आंखें लाल होना, आंखों में से पानी आना या फिर आंखों में खुजली चलने की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे हम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एलेरिड 10 mg टैबलेट। गाइस इसके कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर है सिट्रिजिन 10 mg। और गाइस इसके यूजेस को देखें तो ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। और इसके यूजर्स हैं, गाइस ये भी एलर्जी की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, नज़ल कंजक्शन की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, ईची नोज, स्नीजिंग, रेड वाटरी और ईची आइज यानी कि नाक में खुजली चलना, आंखें लाल होना, आंखों में से पानी आना, छींके आना, ये सारी ही समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो गाइस इसके आगे हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एलेग्रा 120 mg टैबलेट। गाइस अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर है फैक्सोफिनाडिन 120 mg। और गाइस इसके यूजर्स की बात की जाए तो ये मेडिसिन एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है। और इसके यूजर्स हैं, ये ईचिंग में, स्वेलिंग में और रैशेज होने पर इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और साथ ही सीजनल एलर्जी की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है एलरसेट DC टैबलेट। और इसके कंपोजिशन है, इसके अंदर है सिट्रिजिन 10 mg प्लस फिनाइलेफ्रिन 10 mg। और गाइस इस टैबलेट के यूजर्स हैं, ये टैबलेट नज़ल कंजक्शन में यूज़ में आती है और एलर्जी की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है एल्थ्रोसिन 250 mg टैबलेट। और गाइस इसकी कंपोजिशन है, इसके अंदर है एरिथ्रोमाइसिन 250 mg। और गाइस ये मेडिसिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, और साथ ही इसका यूज़ किया जाता है थ्रोट, चेस्ट, ईयर, माउथ, डेंटल, आई और स्किन इन्फेक्शन जैसे सभी इन्फेक्शन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एमरिल 1 mg टैबलेट। और गाइस इस टैबलेट के कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर है ग्लिमेपायराइड 1 mg। और ये एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है और डायबिटीज़ की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है एमली 5 टैबलेट। और गाइस इसके कंपोजिशन है, इसके अंदर है एमलोडिपिन 5 mg। और ये टैबलेट एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, यानी कि हाइपरटेंशन की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है एमलोडिक 5 टैबलेट। और गाइस इसके अंदर भी वही सेम कंपोजिशन है एमलोडिपिन 5 mg। और गाइस इसके भी वही सेम यूजेस हैं, ये भी एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है और ये भी हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसी के आगे अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जो कि है एमलोडेक 80 टैबलेट। गाइस इसके कंपोजिशन है, इसके अंदर है एमलोडिपिन 5 mg प्लस एटेनोलॉल 50 mg। और गाइस इसके यूजर्स हैं, ये टैबलेट हाइपरटेंशन की समस्या यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, एंजाइना की समस्या यानी कि चेस्ट पेन की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और ये टैबलेट हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यानी कि हार्ट अटैक की समस्या की जो रिस्क होती है उसको कम करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है।
गाइस इसके आगे हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एटोरवा टैबलेट। और गाइस इसके कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर है एटोरवास्टेटिन 10 mg। गाइस इस मेडिसिन के यूजेस को देखें तो ये स्टेटिन क्लास से बिलोंग करती है, और इस मेडिसिन का काम होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करना, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है ऑगमेंटेन 625 डुओ टैबलेट। गाइस इसके कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर है एमोक्सिसिलिन 500 mg प्लस क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg। और गाइस इसके यूजेस की बात की जाए तो ये मेडिसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और इसके यूजेस हैं ईयर इन्फेक्शन की समस्या में, नज़ल साइनस इन्फेक्शन की समस्या में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या में, और स्किन इन्फेक्शन की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, जिसका नाम है अर्कामिन टैबलेट। और गाइस इसके कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर है क्लोनिडिन 100 mcg। गाइस अभी तक हम mg की बात कर रहे थे, यानी कि मिलीग्राम की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे अब जो यूनिट आई है वो है mcg, यानी कि माइक्रोग्राम्स। और गाइस इस टैबलेट की यूजेस हैं, ये टैबलेट हाइपरटेंशन यानी कि वही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है एजिथ्राल 500 टैबलेट। गाइस इसके कंपोजिशन है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, और इसके यूजेस की बात की जाए तो ये मेडिसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और इसका यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, नोज इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, और स्किन इन्फेक्शन जैसे सभी इन्फेक्शन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट को, जिसका नाम है एजटर 10 टैबलेट। और गाइस इसके कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर है एटोरवास्टेटिन 10 mg। और गाइस इसके यूजर्स की बात की जाए तो गाइस ये टैबलेट स्टेटिन ग्रुप से बिलोंग करती है, और इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, और हार्ट अटैक की रिस्क को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है एमलोंग 10 टैबलेट। गाइस इसके कंपोजिशन है एमलोडिपिन 10 mg, और इस टैबलेट का यूज़ भी हाइपरटेंशन यानी कि वही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है AZ500 टैबलेट। इसकी कंपोजिशन है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। और गाइस इसके यूजर्स हैं, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और इसका यूज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, और स्किन इन्फेक्शन जैसे सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है एम्लोकाइंड 80 टैबलेट। और गाइस इसके कंपोजिशन है एम्लोडिपिन 5 mg प्लस एटेनोलॉल 50 mg। और गाइस इस टैबलेट के यूजेस हैं, इस टैबलेट का यूज़ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में यूज़ किया जाता है, और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गाइस इसके आगे अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है, जिसका नाम है एमोक्सिक्लेव 625 mg। और गाइस इस टैबलेट के कंपोजिशन है, इसके अंदर है एमोक्सिसिलिन 500 mg प्लस क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg। और गाइस इस टैबलेट के यूजेस हैं, ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और इसके यूजेस होते हैं ईयर इन्फेक्शन में, नेजल साइनस इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, और साथ ही स्किन इन्फेक्शन जैसे सभी इन्फेक्शन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और गाइस आज की हमारी लास्ट टैबलेट है, जिसका नाम है हिमालय अबाना टैबलेट। और गाइस इस टैबलेट के कंपोजिशन है, इसके अंदर है अश्वगंधा, अर्जुन, गुगुल, गुदुची और आमालाकी जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इस टैबलेट के अंदर शामिल हैं। और गाइस इस टैबलेट के यूजर्स हैं, ये टैबलेट कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए यूज़ में आती है, और साथ ही बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में हमने बात की मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली पॉपुलर A to Z सीरीज़ में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में A से आने वाली टैबलेट्स के बारे में, और गाइस साथ ही हमने जाने उसके कंपोजिशन और यूजर्स को। तो गाइस A से आने वाली जो भी बाकी मेडिसिंस इस वीडियो में रह गई हैं, आप वो टैबलेट्स मुझे कमेंट्स करके बताइए। और गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली पॉपुलर B से आने वाली A to Z अल्फ़ाबेटिकल टैबलेट्स को। तो गाइस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।